हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ में। तो नीट लेवल का आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, विच इज बिलोंग टू चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, जहाँ पर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और उनका जीनोटाइप पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो नीट में अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों के जो मतलब एक कपल है जहाँ पर जो मेल है उनका ब्लड ग्रुप ए है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जो फीमेल है यानी कि बच्चों की जो माँ है उनका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। दो पॉइंट होगा यहाँ पर जो हमें याद रखने हैं। और तीसरा पॉइंट जो है कि जो उनके बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, या तो ए है या फिर बी है। तो इस कंडीशन में उन दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, तो हमसे जो पूछा गया है वो एक्चुअली पूछा गया है जीनोटाइप क्या है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, ब्लड ग्रुप ए के कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं और ब्लड ग्रुप बी के क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम चलेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए में दो जीनोटाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, आई ए, ठीक है, यानी कि दोनों ही ए आई ए जीन है, तो ऑब्वियसली होमोजाइगस कंडीशन है, ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरा होता है आई ए और आई, यानी कि स्मॉल आई, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप ओ के लिए, ठीक है। तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है, इसीलिए ब्लड ग्रुप जो होगा ऐसे ही इंसान का जिसका जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई होगा वह ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, मतलब ये दो कंडीशन हो गई ब्लड ग्रुप ए के लिए। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की, कि ब्लड ग्रुप बी में कौन सी दो कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो ब्लड ग्रुप जो बी है बच्चों, वह भी एक डोमिनेंट जीन है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप बी जो है उसके मतलब ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप बी है वहाँ पर भी हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती है। तो पहला जो होगा वो होगा आई बी, क्योंकि ये जीन भी डोमिनेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं इस केस में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस कंडीशन में हमें ए बी और बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आई ए और आई बी की, यानी कि मान लीजिए पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो आई बी है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो सिर्फ ए की प्रकार का होगा, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ब्लड ग्रुप टाइप होगा ए बी। तो अब यहाँ पे क्या है, या तो ए बी है या फिर बी है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं, दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या हो सकती है कि हम मान लेते हैं कि जो फादर हैं उनका आई ए है, जीनोटाइप आई ए है, और जो मदर हैं उनका आई बी और स्मॉल आई है। तो यहाँ पर सेम टाइप का गैमिट बनेगा और यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के गैमिट बनेंगे। तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा आई ए आई बी, यानी कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, और दूसरी तरफ जो जेनेटिक मेकअप रहेगा वो आई ए और
स्मॉल आई होगा, यानी कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए रहेगा, तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, तो ये जेनेटिक मेकअप भी नहीं हो सकता। तो यानी कि कौन कौन से जेनेटिक मेकअप्स नहीं हो सकते, आई बी ये नहीं है, दूसरा आई ए फादर का एंड आई बी और स्मॉल आई, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तीसरी कंडीशन यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम ले लेते हैं कैपिटल आई ए स्मॉल आई क्रॉस विद आई बी, ठीक है, हम ये कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दो टाइप के गैमिट बनेंगे और यहाँ पर सिंगल टाइप का गैमिट बनेगा। तो यहाँ पर एक गैमिट बना आई ए और दूसरा गैमिट बना स्मॉल आई। ठीक है, तो अगर इनके बीच में यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा, अगर आई ए क्रॉस करेगा आई बी के साथ, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जीनेटिक मेकअप होगा आई ए आई बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो जेनेटिक मेकअप होगा आई बी और आई, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा बी, तो ये कंडीशन करेक्ट हो सकती है, ये कंडीशन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, तो सॉरी फोर्थ कंडीशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वह क्या रहेगी। तो वो कुछ इस प्रकार है कि आई ए स्मॉल आई क्रॉस विद आई बी स्मॉल आई, तो इस दोनों ही कंडीशन में दो दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, आई ए स्मॉल आई आई बी स्मॉल आई। ठीक है, तो अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो यहाँ पर आई ए आई बी यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, ओके, और अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो जेनेटिक मेकअप रहेगा आई ए आई यानी कि ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, और अगर मैं पैन का कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर ये वाला गैमेट इसके साथ क्रॉस करता है तो जेनेटिक मेकअप होगा आई बी स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो जेनेटिक मेकअप होगा आई आई यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। तो क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया है कि जो प्रोजेनी है इस कपल का, उनका ब्लड ग्रुप ए बी और बी रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें चार कंडीशंस देखने को मिल रही है, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन भी इनकरेक्ट है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट मैच यहाँ पर हमें मिल रहा है वो कौन सा है, आई ए स्मॉल आई क्रॉस विद, मतलब ये फादर का हो गया, फादर यानी कि मेल और ये मदर यानी कि फीमेल, आई बी, तो ये यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेकंड वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो आपको बस क्या करना है, आपकी फिंगर टिप पर आपको पता होना चाहिए कि ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जेनेटिक मेकअप रहता है, या बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जेनेटिक मेकअप होता है, या ए बी ब्लड ग्रुप के लिए या फिर ओ ब्लड ग्रुप के लिए, और इसमें ये भी ध्यान रखना कौन कौन सी जीन डोमिनेंट ओके और कौन सा जीन रिसेसिव है। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया हो, और इसी तरीके के हम डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।